वहाँ के लोगों को ये हक भी हासिल नहीं है कि वो हमारी गैस कंपनी के अंदर काम करेंगे। यहाँ पर जितने भी इस करारदाद पर बहस हुई सारे फजूल बातें थी। कभी भी आप लोग सारे ज्यारत गए होंगे तो ज्यारत में किसी ने भी गैस देखा ही नहीं होगा। करारदाद कुदरती गैस के हवाले से है, यकीनन हम बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है और कुदरती वसायल से मालामाल सूबा है और हमारी बदकिस्मती ये है कि सब कुछ रखने के बावजूद भी हम गरीब सूबा है और दरबदर सूबा है, हर हवाले से पसमानदा सूबा है। तो एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान दरबदर सूबा है और दूसरी तरफ हमारी जो वसायल है हमें अपने ही वसायल नहीं मिल रहे हैं और अपने इतनी महदूद वसायल के बावजूद भी हमारा सूबा जो है हर तरफ से पसमानदगी का शिकार है। तो गैस के हवाले से गैस यकीनन एक ऐसी नियामत है, कुदरती नियामत है, हमारी सूबे से निकल रहा है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गैस जहां से निकल रहा है उस ज़िले को अभी तक नहीं मिला। मैं अपने इलाके की जिक्र करता हूं, मेरे इलाका जरगुन गार शाबान भी मेरे हल्के में शुमार होता है, तो वहां से भी ये मारी गैस निकल रहा है, लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि वहां अभी तक जरगुन गार को गैस मुयसर नहीं है, जरगुन गार को गैस अभी तक नहीं मिला है। मारी गैस कंपनी तक वहां पे रोड तो बना है, वहां पर जितने भी मुलाजमीन एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सारे बाहर के हैं, तो वहाँ के लोगों को ये हक भी हासिल नहीं है कि वो हमारी गैस कंपनी के अंदर काम करें। गैस मिलने का तो दूर की बात है, दूसरी तरफ हमारे ज़िला ज़ियारत को गैस मिल रहा है लेकिन ना होने के बराबर है। वो सिर्फ बरनाम लाइन तो बिछाया गया है लेकिन प्रेशर कभी भी आप लोग सारे ज़ियारत गए होंगे तो ज़ियारत में किसी ने भी गैस देखा ही नहीं होगा। और दूसरी तरफ यह है कि यही गैस अगर आप जाके मुल्तान में या इस्लामाबाद में फैसलाबाद में आप उनके ट्राई कर लें, मुझे पिछले साल मेरे वोटर ने मुझे मुल्तान से एक वीडियो भेजा, कहते हैं कि हम तो गैस न होने की वजह से माइग्रेट होके मुल्तान आ गए क्योंकि वहाँ पे ये मौसम नाकाबिल बर्दाश्त है, मौसम में हम इस वक्त गुजारा नहीं कर सकते हैं, गैस है ही नहीं और वहाँ पे लकड़ी जलाने पे पाबंदी है, हम जुनिपर फॉरेस्ट को काट नहीं सकते हैं और वहाँ पे हमें यही हर वक्त यही कहा जा रहा है कि गैस प्रेशर नहीं है। तो अभी मैं मुल्तान में बैठा हूँ, ये है गैस प्रेशर का वीडियो, आप देख लें, यहाँ पर गैस प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हम पूरा गैस छोड़ नहीं सकते हैं और कमरा एकदम उससे मतलब गर्म करके फिर हमें बंद करना पड़ता है। ये करारदाद मेरे ख्याल में मुश्तरका करारदाद होनी चाहिए और हम तो हर वक्त यही कहते चले आ रहे हैं, पिछले साल भी पिछले टेन ओवर में भी हमने कई बातें इस तरह की, लेकिन इस पे अमल दरामद जो नहीं हो रहा है इसके लिए हमें एक लाअमल बनानी चाहिए कि हम जाके मरकज़ के सामने बैठ जाए और उनसे हम दरख्वास्त करें कि कम से कम हम भी इस मुल्क के लोग हैं, ये सूबा भी फेडरेशन की एक यूनिट है और जाहिर सी बात है इस तरह अगर हरकत हो रहे हैं तो एहसास मरूमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, तो फिर ये फेडरेशन जो है इस तरह मजबूत, जिस तरह हमारे दोस्तों ने कहा, फिर फेडरेशन इस तरह मजबूत नहीं रहेगा। तो इस मुल्क के लिए और इस फेडरेशन के लिए ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे कम से कम इक्वलिटी हो, इंसाफ हो और हमारी वसायल पे हमारी इख्तियार हो और कम से कम ठीक है ये शेयर पंजाब को भी मिलना चाहिए, फेडरेशन को भी देना चाहिए, मरकज़ को भी, लेकिन ये है सबसे पहले हमारा हक बनता है। जब तक हम अपने वसायल से खुद मुस्तफीद नहीं है तो फिर दूसरे को देने की क्या ज़रूरत है। हमारी वसायल हमारे घर के सामने से निकल रहा है लेकिन उस पर हमें इख्तियार नहीं है, इख्तियार तो छोड़ो कम से कम हमें तो मुस्तफीद तो होना चाहिए उन वसायल से। तो जनाब स्पीकर, इस करारदाद की हम मुकम्मल हिमायत करते हैं, इस करारदाद पर हम सब ने अपने अपने ख्याल का इजहार किया और हर एक ने अपने अपने नुक्ते नज़र पेश किया, तो आखिर में एक मेंबर साहब ने यहाँ के खड़े होकर बोलने लगे कि यहाँ पर जितनी भी बातें हुई ये सारे फजूल बातें। तो मुझे उम्मीद ये थी कि यहाँ से ऐवान से कोई उठ के खड़ा हो जाएगा, उसको समझा देंगे कि भाईजान ये बातें आप जो कर रहे फजूल बातों की शायद आप गलतफहमी में हैं। तो इधर से भी किसी ने उनको नहीं कहा बल्कि उल्टा
नहीं आपने तो कह दिया, आपने जाहिर सी बात है उसने इशारा भी आपकी तरफ की, तो आपसे पहले किसी और को कम से कम ये जुरत करनी चाहिए थी कि ये हम सब ने यहाँ पे जो बातें की, क्या हम सारे फजूल लोग हैं? फिर हमारी अभी जो हम जिस करारदाद पे बेस करने जा रहे हैं तो ये हमारी बातें फिर फजूल होगा, एक बंदा उठ के खड़ा हो जाएगा हमारी बातों को फजूल कह देंगे।